एक मेरा सवाल है, हमारे मुसलमान भाइयों में कुछ लोग ऐसे हैं जुमे में नमाज पढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ में शिर्क और बिदत और जिना में सूद में मुलविस हो गए हैं। क्या इनका इनकी जो भी ये जबीहा खा सकते हैं क्या? क्योंकि अक्सर हमारे भाइयों चिकन और मटन कारोबार में शामिल होकर है, तो इसलिए हम इसके बारे में क्या सोचना है, इनकी जबीहा हम खा सकते हैं क्या? वाजे है, हाँ, वाजे बिल्कुल। इसके बारे में हमारी शरीयत की रहनुमाई इंतहाई वाजे है। वो ये है कि कोई भी मुसलमान कबीरा गुनाह के इर्तिकाब से काफिर नहीं हो जाता है, और जब तक वो मुसलमान है, चाहे जितना गुनाह कर रहा है, जब तक वो दायरे इस्लाम के अंदर मौजूद है, तब तक उसका जबीहा खाएंगे, उसके साथ मुसलमानों जैसा ही तआमुल करेंगे। वो जो गुनाह कर रहा है उस पर उसे समझाएंगे, उसे रोकेंगे, जो तरीका भी होगा अपनाएंगे, लेकिन उसको मुसलमान ही मानेंगे। तो जी गुनाह के इर्तिकाब से कोई काफिर नहीं हो जाता है, ये अहलु सुन्ना वल जमा का मुत्तफिका फैसला है। वो जी काफिर नहीं हो जाता है, इसलिए उसका जबीहा ना खाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है।